कॉल्ड क्लास क्लास सेकंड क्लास सेकंड चैप्टर फोर चैप्टर फोर सब्ट्रैक्शन। देखिए चैप्टर नंबर फोर सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें जो है आपका टॉपिक है बोरोइंग बोरोइंग फ्रॉम हंड्रेड बोरोइंग फ्रॉम हंड्रेड टू वन। देखिए यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन था सब्ट्रैक्शन जो है हमने आपको इसके पहले वाला सब्ट्रैक्शन हमने बताया था वंस को वंस से टेंस का सब्ट्रैक्शन था फिर टेंस से हंड्रेड में था। अब जो सब्ट्रैक्शन हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वंस से स्टार्ट होगा और हंड्रेड तक जाएगा। अब इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं लिखा है लेट अस सब्ट्रैक्ट 256 फ्रॉम 805। यहाँ ध्यान दीजिए देखिए अब हम जो है 805 में से 256 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो सब्ट्रैक्शन होगा वन से लेकर हंड्रेड तक होगा। इसके लिए सबसे पहला देखिए इस पर सबसे पहले आप क्या करेंगे वंस टेंस और हंड्रेड देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप तीन कॉलम बनाएंगे वंस टेंस हंड्रेड क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है थ्री डिजिट का सब्ट्रैक्शन है वो हंड्रेड से स्टार्ट हो रहा है तो वंस टेंस हंड्रेड है। सबसे पहले वंस का नंबर फाइव है टेंस का नंबर जीरो है और हंड्रेड का नंबर एट है। अब आपको सिक्स फाइव टू इसको आपको सेपरेट करना है क्या करना है इसको सब्ट्रैक्शन करना है। इसके लिए देखिए ध्यान से यहाँ पे बॉक्स है यहाँ भी बॉक्स है यहाँ भी बॉक्स है। अब देखिए इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन करना। सबसे पहला स्टेप है लिखा अरेंज द नंबर्स इन कॉलम। सबसे पहले जो भी है नंबर उसको कॉलम के अंदर आप अरेंज करेंगे। अरेंज करने का आपका इसमें तीन कॉलम बनेगा वंस का बनेगा टेंस का बनेगा हंड्रेड होगा। जब कॉलम बना लेंगे जब आप कॉलम बना लेंगे उसके बाद जो नंबर है वो आप नंबर को उस कॉलम के अंदर लिखेंगे। पहला स्टेप ये हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है इसे टू एज सिक्स वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देखिए सिक्स वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइव वंस। इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइव वंस में से सिक्स वंस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए फिर समझाना है कि आप जो है इसमें देखिए अगर सिक्स ऊपर होता फाइव नीचे होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एट सिक्स वंस मतलब सिक्स वंस जो है फाइव वंस में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। किससे नहीं हो सकता फाइव से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सो अब देखिए जब फाइव वंस में से सिक्स वंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो अब इसके लिए क्या करेंगे सो बोरो अब हम क्या करेंगे वन टेन अब बगल वाले से वन टेन हम बोरो लेंगे वन टेन फ्रॉम टेंथ प्लेस। देखिए जब फाइव वंस में से सिक्स वंस नहीं जा रहा है तो हम लोग टेंथ प्लेस से हम बोरो लेंगे टेंथ प्लेस से वन टेन हम बोरो लेंगे लेकिन अब यहां देखना बट वी हैव लेकिन यहां पे क्या है टेंस प्लेस पे जीरो है लिखा है बट वी हैव जीरो एट
tens place. देखिए जब फाइव मंथ्स जो है टेंस प्लेस से बोरो मांग रहा है तो यहाँ पे अगर अगर इसके पास होता तो वंस को एक बोरो दे देता, लेकिन जब इसके पास बोरो ही नहीं है मतलब जीरो है, जब इसके पास है ही नहीं तो ये इसको बोरो नहीं है। अब जो है अब भाई जब वंस जो है टेंस से मांगा बोरो इस प्रकार के मेरे पास नहीं है, फिर ये जाकर इससे बगल वाले से हंड्रेड के पास जाएगा। अब लिखेंगे सो बोरो 100 सो बोरो 100 फ्रॉम सो बोरो 100 फ्रॉम 100th place टू टेंस प्लेस। अब यहां से समझा रहे हैं कि जब टेंस के पास बारो नहीं था तो ये 100 प्लेस के पास गया, उसने कहा कि मुझे 100 बारो दे दो, इसका 8 था इसलिए इसको 1 दे दिया, तो यहां 10 हुआ। और जब 10 हो गया यहां पे तो ये क्या है इसको 1 बारो 1 टेंस इसको बारो दे दिया, तो ये हो जाएगा। अब इसके नाउ देखिए नाउ 0 इन टेंस प्लेस नाउ 0 इन टेंस प्लेस बिकम्स नाउ 0 इन टेंस प्लेस बिकम 100। देखिए ध्यान से जब ये टेंस जो है 100 के पास गया है तो 100 के पास 8 था तो इसने इसको 100 बारो दे दिया, अब 0 की जगह है वहां पे 100 हो गया। और 100 को हम लोग 10 टेंस लिखते हैं, क्या बोल लिखते हैं 100 को 10 टेंस लिखते हैं। अब क्या करेगा हम हाँ क्या कहते हैं नाउ 0 इन टेंस प्लेस becomes 110 times and अब जो and 8 in 100 days becomes 700। अब देखिए 100 के बॉर्डर में गया तो उसके पास 8 था, जैसे ही इसने 1 दिया तो अब इसके पास क्या होगा 700 हो गया। अब देखिए आपके 700 हो गया, फिर करा अगेन बॉरो, फिर हम बॉरो ले रहे हैं अगेन बॉरो 110 from tens place to ones place। अब हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए यहां पे इस अब यहां समझिए 6 months cannot be separated from 5 months, 5 months में से 6 months को हम माइनस नहीं कर पा रहे हैं सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए 100 बार अब बारो लेंगे 110 जो है टेंस प्लेस के पास में, लेकिन टेंस प्लेस के पास 0 था फिर भी बारो 100 से बढ़ा, जब 100 प्लेस पे गए तो 100 प्लेस से 100 बारो 100 हमें मिला बारो वो टेंस प्लेस पे चला गया। अब जो टेंस प्लेस पे जैसे ही इसको 100 से बॉरो किया तो यहाँ पे 7 बचा, फिर दोबारा जब बॉरो ले फिर उसके बाद देखिए जब टेंस में गए तो ये 10 टेंस हो गया, कितना हो गया मतलब यहाँ पे 100 की जगह यहाँ पे क्या हो गया 10 टेंस हो गया, और 10 टेंस को 100 बोलते हैं। अब ये फिर ये क्या किया है कि एंड 8 इन 100 प्लेस बिकम्स 700,
जैसे ही इसने 100 बोरो दिया तो 8 की जगह अब क्या हो जाएगा 7। फिर जो बोरो इसके पास 10 बोरो हो गया 10 10, तो इसने क्या किया वंस को 1 बोरो दे दिया। अब वंस को जब 1 बोरो दे दिया तो लिखेंगे 10 10 वंस प्लस का 5 वंस। देखिए उसके बाद जैसे ही इसको 1 बोरो उसने इसको दिया तो इसके पास क्या हो गया 10 वंस और 5 वंस में कितना हो गया 15 वंस हो गया। कितना हो गया यहां पे 15 वंस हो गया, यहां पे 15। तो 15 वंस हो गया। अब है इसका करना, अब हम जो है 15 में से 6 माइनस कर सकते हैं तो 9 भी है 15 वंस लीविंग बिहाइंड नाइन टेंस। ध्यान से जब इसने टेंस ने वंस को बोरो दिया तो यहाँ पे 15 वंस हो गया। उसके बाद टेंस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे वन फाइव टेंस की जगह यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा 9 टेंस बचा। तो अब हम क्या करेंगे वी कैन सबट्रैक्ट द वंस। अब वंस को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15 वंस माइनस 6 वंस। अब 15 वंस में से 6 वंस सेपरेट हो सकता है तो आपके पास क्या बचा 9 वंस बचा। क्या बचा आपके पास 9 वंस बचा, यहां पे 9 लिख देंगे। अब देखिए वंस का तो हमने सेपरेट कर दिया, अब आएंगे टेंस में फिर देंगे सबट्रैक्ट द टेंस। अब टेंस में सेपरेट किए हैं, इसने इसको 1 बोरो दिया है तो यहां पे 9 बचा। तो यहां क्या आएगा 9 टेंस माइनस 5 टेंस, क्योंकि 9 टेंस में से 5 टेंस निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 4 टेंस बचेगा। क्या बचेगा यहां पे 4 लिखेंगे। आपने वंस को कर लिया टेंस को कर लिया, अब क्या बचा 100 पे आ जाएंगे। 100 ने इसको बोरो किया है टेंस को तो यहां पे क्या बचा 7। तो अब जब सबट्रैक्ट कर देंगे सबट्रैक्ट द 100 100 को करेंगे तो 800 7 यहां पे 700 माइनस 200। अब 700 में 200 निकल गया क्या बचे आपका 500 बचा। क्या बचा 500 यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 100 मतलब कि 805 में से अगर 256 को माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 549। क्या हो रहा है 549 हो रहा है। चलिए इसको हम एक बार और समझाते रहे क्योंकि देखिए इसको हम एक बार और समझा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 सबट्रैक्शन का है, आपका जो सबट्रैक्शन है बोरो वाला है, इसमें जो बोरो वंस से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे। सबसे पहला स्टेप लिखा है लेट अस सबट्रैक्ट 256 फ्रॉम 805। 805 में से 256 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए स्टेप नंबर 1 अरेंज द नंबर इन कॉलम। जो भी नंबर दिया है उसको कॉलम के अंदर आपको अरेंज करना है। जो भी नंबर्स दिया है उसको कॉलम के अंदर आपको लिखना है, मतलब कि वंस का नंबर वंस के नीचे, टेंस का नंबर टेंस के नीचे, 100 का नंबर 100 के नीचे। तो वंस में 5 है, टेंस में 0 8 है। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। इस फर्स्ट में 6 वंस है, 5 वंस है, 2 वंस। पहला स्टेप आपने कर लिया, अब आइए दूसरे स्टेप में। एज 6 वंस कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5 वंस।
मतलब 5 मंथ्स में से 6 मंथ्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सो इसलिए बोरो 110 फ्रॉम 10th प्लेस, इसलिए जो है हम लोग बोरो लेंगे 10th प्लेस से 110 बोरो लेंगे। लेकिन देखिए 10th प्लेस के पास जब आए तो इससे 110 में बोरो लेना है, लेकिन इसके पास ये 0 था 10th प्लेस पे, लेकिन जो है इसके पास 10th प्लेस पे 0 है, इसलिए ये क्या करेगा, सो बोरो 100। अब ये जो है 100 के पास जाएगा तो 100 के पास 800, तो 100 से जाके 100 प्लेस पे जाके उससे 100 प्लेस में जाके उससे क्या मांगेगा, इससे बोरो मांगेगा और ये इसका बोरो जो है 10th प्लेस पे चला जाएगा। अब इतनी यहाँ पे जब इसने कहा कि भाई तुम मुझसे क्यों बोरो ले रहे हो, मुझसे क्यों मांग रहे हो, इसने कहा कि मेरे पास क्या 0 है, और जब 0 है तो इसके पास अब कुछ नहीं, ये भी इसको भी नहीं बोरो दे पाएगा, तो इसने इससे कहा कि मेरे पास 1 है, तो उसने कहा कि मुझे 100 बोरो दे दो, तो इसने 100 बोरो दे दिया। अब 100 को हम लोग 10 टेंस बोलते हैं, और 10 टेंस बोलते हैं 100 को हम 10 टेंस बोलते हैं, जब 800 था इसने इसको 100 बोरो दिया, इसके पास क्या बचा, 700 बचा, क्या बचा, 700। फिर हम जब दोबारा बोरो लेंगे तो 110 था इसके पास, मतलब 10 मंथ्स 10 टेंस था, जब हम पूरा सॉरी जब हम लोग बोरो लेंगे 10th से, वंस जो है वंस 10th के पास गया, इसके पास 10 था, इसने इसको 1 बोरो दिया, तो फिर हम दोबारा जो है ये इसको बोरो दे रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए है अगेन बोरो 110 सेंट वंस फ्रॉम 10th प्लेस, अब दोबारा जो है वो 10th प्लेस पे गया, उससे 1 बोरो लिया, तो वंस वंस जो है जब बोरो लिया तो इसके पास 10 था, इसके पास जो है 10 था, इसने इसको 1 बोरो दे दिया, तो 10 इसके पास 10 मंथ्स ऑफ, देखिए आप 10 मंथ्स और 5 मंथ्स ऐड हुआ तो 15 मंथ्स हो गया। अब जो है नाउ अब 15 मंथ्स में से अगर हम 6 मंथ्स को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचा, देखिए 15 मंथ्स में से 15 मंथ्स, देखिए इसके पास 15 मंथ हो गया, अब इसके पास 10 इसके पास 10 था, इसने इसको 1 बार हो दिया, यहाँ पर 9 टेंस हो गया, अब 9 टेंस हो गया, तो अब इस तरह से तीनों के पास बोरो दोबारा काम खत्म हो गया। अब आएंगे वंस पे बोरो सेपरेट करिए, 15 वंस में से 6 वंस पे की माइनस करें तो 9 वंस बचा, इसी तरह 9 टेंस में से 4 टेंस को माइनस सॉरी 9 टेंस में से 5 टेंस को माइनस करें तो 4 टेंस बचेगा, उसके पास 7 बचा था 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचा, इस तरह से 805 में से 206 को माइनस करते हैं तो आपको 549 बचेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।